जयपुर में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, जाली नोटों की पकड़ी खेप, चार युवकों को टीम ने लिया हिरासत में। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। 500 रुपए के बताए जा रहे सभी नकली नोट। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर के निर्देशन में ये कार्रवाई, आरोपियों से एक गाड़ी भी जब्त। जयपुर में होनी थी नकली नोटों की ये सप्लाई, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसओजी की ये कार्रवाई, एसओजी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई जयपुर में की है। जाली नोटों की पकड़ी है खेप और चार युवकों को हिरासत में भी लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 500 रुपए के बताए जा रहे हैं ये नकली नोट। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। आरोपियों से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। अब ये युवक जो हैं सप्लाई जयपुर में करने वाले थे, इसके अलावा कहां पर इन्होंने पहले भी सप्लाई की है, किस तरह से ये रैकेट चलता था, ये जो चार युवक गिरफ्तार किए गए हैं क्या उसके अलावा भी कोई रैकेट है, कोई गिरोह है जो अलग अलग जगहों पर ये सप्लाई करता है, कहाँ से ये नोट बनते हैं, तमाम बड़े सवाल। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है, चार युवकों को टीम ने हिरासत में लिया है, आरोपियों के कब्जे से 1 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। क्योंकि ये राशि 1 लाख की है, लेकिन इसके अलावा भी क्या और भी राशि है और वो राशि कहाँ पे सप्लाई होनी थी। 500 रुपए के ये नकली नोट बताए जा रहे हैं जो 1 लाख की राशि बरामद हुई है। और हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जिया, पूरी जानकारी दीजिए। मेगा, देखिएगा कि पिछले कई दिनों से एसओजी को इस बारे में शिकायत मिल रही थी कि राजधानी जयपुर के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर नकली जो नोट हैं उसकी सप्लाई की जा रही है। इसी को लेकर एसओजी ने जाल बिछाया और एसओजी ने चार युवकों को हिरासत में लिया है। इन चार युवकों के पास से बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए और ये जो बरामद नोट हुए वो 500 के नोट थे। ये पूरी कार्रवाई एडीजी एटीएस जो एसओजी हैं अशोक राठौर, उनके निर्देश के अंदर की गई है। इसके अंदर एक गाड़ी को भी जब्त नहीं की गई है। जो बात अब तक एसओजी की पूछताछ के अंदर सामने आई है, उसके अंदर ये आई है कि ये नोट जयपुर के अंदर सप्लाई करना था और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनको बांटना था। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब एसओजी उन चारों युवकों से सख्ती से पूछताछ कर दी कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल है और ये नोट कहाँ से लाए गए थे और कहाँ कहाँ पे सप्लाई करना थे। जी, क्योंकि जिया चार लोगों को पकड़ा है, इसके अलावा इनके बारे में कोई जानकारी की कोई पूरा गिरोह है, कैसे ये रैकेट चलाते हैं और कौन सी जगह से ये हैं? लाल, एसओजी को सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर इन चार लोगों को हिरासत के अंदर लिया है, इनसे गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ कर रही है। एसओजी का ये मानना है कि इसके अंदर पूरा एक नेटवर्क है, क्योंकि जहां पे ये प्रिंट हुए, जहां से ये आए हैं नोट और कहां पे खपाने हैं, इस पूरे नेटवर्क के जल्द से जल्द एसओजी के अधिकारी खुलासा करेंगे। लेकिन एक तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई राजस्थान की जयपुर के अंदर की गई है, क्योंकि इसके बाद लगातार, क्योंकि पिछले एक दिन में मामला सामने आया था कि आईसीआईसी बैंक के एटीएम के अंदर नकली नोटों की खेप, जो कैश डिपोजिट मशीन होती है उसके अंदर नकली नोट जमा करवा दिए गए, वो भी एक मामला आया था जिसके अंदर लगभग 50,000 रुपए जमा करवा दिए गए थे। ऐसे कई मामले राजधानी जयपुर के अंदर सामने आ रहे थे जहाँ नकली नोट बाजार में बेतहाशा गिनती से चल रहे, तो उसी को लेकर इस नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एसओजी इस पूरे नेटवर्क का जल्द से जल्द खुलासा करेगी, इसके अंदर मुख्य सरगना कौन है, कहां से लाते थे नोट नकली नोट और कहां कहां सप्लाई करते थे और अब तक कितने नोट सप्लाई कर चुके।